Next examples for Bitwise operators for testing different flavors again. In that case, we are declaring three variables A, B, C. Here, initial value of A is 1. What is the initial value of A? Initial value of A is 1. Then there are three variables A, B, C. Value of A is 1, therefore binary number of A is that 1. Means first of all we are performing A left shift by 16. इस केस में जब A को 16 से left shift कराएंगे, as we know किसी भी नंबर को 16 और 16 से बड़े नंबर पर शिफ्ट करने, बड़े नंबर से शिफ्ट करने से ऑलवेज रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑलवेज जीरो. फाइनली से एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा? जीरो. लेकिन इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी वेरिएबल में असाइन नहीं किया, देयरफॉर देयर इज नो चेंजेस परफॉर्म इनसाइड वन. मींस शिफ्टिंग ऑपरेशन से ओनली रिजल्ट तो जनरेट करना पॉसिबल, लेकिन शिफ्टिंग ऑपरेशन रियल में कभी किसी वेरिएबल के ओरिजिनल प्लेसेस को कभी भी शिफ्ट नहीं करें. मींस शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कहाँ होंगे? इनसाइड सम टेम्परेरी प्लेस. देयरफॉर A इज नॉट अफेक्टेड हियर. दिस इज देयरफॉर व्हाट इज द प्रिंटेड वैल्यू ऑफ A. A का वैल्यू क्या स्टोर 1, इसलिए डिस्प्ले भी क्या होगा? डिस्प्ले इज ऑल्सो 1. नेक्स्ट वन सेकेंड केस कंसल्टेड. इस केस में एक्चुअली मैंने थ्री प्रोग्राम्स सिंगल प्रोग्राम में मर्ज किए हैं. दैट वन. नेक्स्ट वन सेकेंड पार्ट. इन सेकेंड अगेन री इनिशलाइज A इज 0, B इज 2. इनिशियल वैल्यू अगेन A इज 0 एंड B इज 2. 0 मीन्स ऑल टाइम्स 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A बिकम्स ऑल टाइम्स 0. 0 0 0 B का वैल्यू क्या आसान हुआ? 2. 2 मीन्स 10 and remaining times also 0. Next one, performing operation. First of all, applying one's complement. What is the one's complement? One's complement of x. Sorry, here one's complement a means x means a, y means b. One's complement of a is A का ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 0. तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? -1. माइनस मीन्स ऑल टाइम्स 1. दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, ऑल टाइम्स 1. नेक्स्ट वन आफ्टर दैट अप्लाइंग एंड ऑपरेशन विथ B. मीन्स इस रिजल्ट का साथ परफॉर्म क्या करें? एंड ऑपरेशन. मीन्स वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ A and B. What is the result? One's complement of A and B is equivalent to result. And के केस में फर्स्ट बिट क्या 0, सेकेंड बिट इज 1, therefore resultant बिट इज 0. नेक्स्ट वन दोनों बिट 1 है, इसलिए क्या आएगा? 1. रिमेनिंग टाइम्स ऑल टाइम्स 0, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा? ऑल टाइम्स 0. What is the result of that case? 2. आउटपुट क्या मीन से 2 आसानी किस में जाएगा? C में. Now वैल्यू ऑफ वेरिएबल C becomes 2, therefore result is also 2. Clear? Next one this example is more interesting compared to previous two. Again first of all there are two variables A or B. What is the initial value of A, B? A and B both are having 2 and 2. तो 2 and 2 के रिस्पेक्ट में बात करें, नॉर्मली जनरली A का वैल्यू क्या है? 2. 2 मीन्स 1 0, रिमेनिंग टाइम्स इज 0. सेम है B इज ऑल्सो 2. 2 मीन्स 1 0, रिमेनिंग टाइम्स इज 0. फर्स्ट ऑफ ऑल एन सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी. हाइएस्ट प्रायोरिटी टेकन बाई एंड ओवर द X. देयरफॉर फर्स्ट ऑपरेंड फॉर एंड इज B, सेकेंड ऑपरेंड फॉर एंड इज 1. देयरफॉर वी हैव रिक्वायर्ड binary number of 1 because 1 is also takes place in this operation. Binary value of 1 is 1 is 16 bits generally 0 0 0. Next first of all and operations between B and 1. इस केस में दोनों बिट कैसे हैं? फर्स्ट बिट 0, इसलिए रिजल्टेंट बिट क्या आएगा? 0. सेकेंड बिट 0, रिजल्टेंट बिट इज 0 मीन्स ऑल टाइम्स 0. फाइनली इस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आएगा? B and 1 will gives you all time 0. Next one is case just work परफॉर्म क्या करेंगे? XOR with A means A XOR result of that means XOR A के साथ XOR परफॉर्म करा A means एंड रिजल्ट। XOR के केस में क्या होगा, दोनों बिट सेम है देन जीरो, दोनों बिट डिफरेंट है देन वन। इन दैट केस जीरो जीरो सेम, सेम मीन्स जीरो। इन दैट केस वन जीरो डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स वन। इन दैट केस रिमेनिंग टाइम सेम therefore जीरो। रिजल्ट ऑफ दैट केस टू। फाइनली आउटपुट क्या है इस एक्सप्रेशन का, ऑल्सो टू।